अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी मेरे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इर्तज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको नाइट्रोक्स इन्वर्टर के स्मार्ट लोड के बारे में बताया था और इसके अलावा हमने इसकी SBU की सेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था और इसके अलावा हमने बैटरी की सेटिंग के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी आपको। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके नाइट्रोक्स इन्वर्टर के वोल्टेज या फ्रिक्वेंसी कम या ज़्यादा होती है तो आपने कहाँ से सेटिंग को चेक करना है, कहाँ से आपने इसको देखना है, कहाँ से आप इसकी सेटिंग को खुद ही कर सकते हैं। इसके हाई वोल्टेज की सेटिंग कितनी होती है, लो की कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी हाई कितनी है, लो कितनी है, इसमें अगर आपका 50F62 अलार्म आता है वो इसके बिना ओवर वोल्टेज का अलार्म है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका 56 नंबर अलार्म आता है, इसके DC के वोल्टेज लो का अलार्म है, ठीक है, वो बैटरी साइड से भी हो सकता है और इसके अलावा सोलर पैनल से जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं उनकी तरफ से भी F56 अलार्म हो सकता है। इस तरह F23 भी अलार्म आता है इसमें, यानी कि काफ़ी अलार्म के फंक्शन है। बहुत ही सेंसिटिव इन्वर्टर हैं ये नाइट्रोक्स इन्वर्टर, IP65 इन्वर्टर है। इसमें 6 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, 8 या 12 किलोवाट का इन्वर्टर। अभी मैं आपको इसमें जो है ना आपको बताने वाला हूँ, लाइव चेक कराता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग को कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आना है ग्रिड की सेटिंग में, ठीक है। इधर आपकी जो मेन सेटिंग है आपने यहाँ पे आना है, इसकी सेटिंग इधर से आपने क्लिक करना है। इधर से क्लिक करने के बाद आपने आना है ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि इसकी कुछ सेटिंग्स है। ग्रिड फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है, ठीक है। ग्रिड मोड जो है ना वो जनरल स्टैंडर्ड है, ठीक है। इधर से हम इनको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं इधर से, ठीक है। इधर से आपने क्या करना है कि आपने बैग जाने के बाद आपने क्या करना है कि ग्रिड में दोबारा आना है आपने, ठीक है। ग्रिड में आने के बाद आपने डाउन एरो को आपने क्लिक करना है, ठीक है। देखें जी, ये डाउन एरो पे क्लिक कर नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल कनेक्शन जो है ना इसका आपने किस तरह, यानी कि वो देखने विद इन रेंज जो है ना किस हिसाब से, यानी कि आपका अलार्म नहीं आएगा इसमें। अगर आप देखते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी अगर आप देखते हैं तो 48.00 हर्ट्ज़ है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी है 51.50 हर्ट्ज़, ठीक है। इतनी रेंज में अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो ये नॉर्मल आपका ये सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं, इसके अलावा लो वोल्टेज की सेटिंग देखें, ये लो वोल्टेज की सेटिंग है, ये है A185.0 वोल्ट AC वोल्ट, ठीक है। AC के लो वोल्टेज की सेटिंग है, हाई वोल्टेज की सेटिंग है 265.0 वोल्ट AC, ठीक है। इसके वोल्टेज की सेटिंग को आप इधर अगर आप क्लिक करते हैं इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके वोल्टेज 265 से ज़्यादा होंगे तो आपका यानी कि अलार्म आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अगर आपके जो है ना ये नॉर्मल होते हैं तो आपके यानी कि अलार्म नहीं आएगा। इसको आप 260 कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इधर से देखें, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज जो है ना इधर से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको रखते हैं 1265 पे, ठीक है। इधर से आप इसको सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है रीकनेक्ट आफ्टर ट्रिप, यानी कि ट्रिपिंग होने के बाद कब ये कनेक्शन जो है ना आपका नॉर्मल कंडीशन में चला जाए, ये उसकी सेटिंग है। लो वोल्टेज की सेटिंग ये है कि नॉर्मल जो आपके लो फ्रीक्वेंसी है वो है 48.0 हर्ट्ज़, ठीक है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आफ्टर ट्रिप होने के बाद नॉर्मल होती है, कितनी नॉर्मल जाए, 48.20 हर्ट्ज़, ठीक है। यानी कि इतने पे अगर जाएगी तो आपकी यानी कि ट्रिपिंग वाला जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रिप करता है तो हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर आपकी जो है ना फ्रीक्वेंसी ऊपर देखें, ऊपर फ्रीक्वेंसी है 51.50, ठीक है। नीचे अगर देखते हैं तो 51.30, यानी कि 51.30 अगर फ्रीक्वेंसी हो जाती है दोबारा यानी ट्रिप होने के बाद तो आपका यानी कि इन्वर्टर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह वोल्टेज की सेटिंग को देखें, लो वोल्टेज की सेटिंग ऊपर देखें तो ऊपर बनती है 185 वोल्ट AC, ठीक है। अगर ट्रिप होने के बाद अगर देखते हैं तो 187.0 पर अगर वोल्टेज डाउन जो है ना वो नॉर्मल होते हैं तो आपका ट्रिपिंग वाला फंक्शन वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हाई वोल्टेज की सेटिंग को देखें तो वो पहले ऊपर दिया हुआ है जनाब 265, तो नीचे अगर आप देखते हैं तो इसके अलावा जो है ना नीचे इसकी सेटिंग बनती है 263 वोल्ट AC, ठीक है। 263 वोल्ट AC पर अगर आएगा तो आपका नॉर्मल जो है ना कंडीशन जो है ना इसकी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है।
तो ये थी इसकी मेन सेटिंग। और इसके अलावा आगे ये भी सेटिंग्स हैं मेन इसकी, यानी कि कुछ बहुत ही क्रिटिकल सेटिंग्स हैं जिनको वैसे छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें स्टेज वन की सेटिंग को आप देख सकते हैं, स्टेज टू की सेटिंग, ये भी हाई और लो वोल्टेज यानी कि अंडर ओवर वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी की सेटिंग्स हैं, इनको भी यानी कि आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो इधर से यानी कि इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइम भी दिया गया है कि टाइम के हिसाब से जो है ना आपकी वो सेटिंग जो है ना अगर वोल्टेज नॉर्मल होते हैं तो उस हिसाब से आपके जो है ना फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज जो है ना नॉर्मल कंडीशन में चले जाएँ। और अगर वोल्टेज ओवर वोल्टेज, ये भी इसकी मेन सेटिंग है, ठीक है। ओवर वोल्टेज ये देखें जी, अपर वैल्यू इसकी 10 मिनट है, ठीक है, रनिंग मीन, ठीक है, यानी कि रनिंग में आने के लिए, नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए इसकी जो ओवर वोल्टेज की जो सेटिंग है, ठीक है, वो 260 वोल्ट अगर फिर नॉर्मल यानी कि कंडीशन में तकरीबन 10 मिनट नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, तो तब आपका सिस्टम यानी कि नॉर्मल होगा आफ्टर ट्रिपिंग के बाद, ठीक है। कुछ टाइम इसके टाइम को भी आप कम ज़्यादा वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी मेन सेटिंग। अगर आगे जाते हैं तो आगे कुछ इसकी ये सेटिंग है, ठीक है, ओवर फ्रीक्वेंसी की सेटिंग देखें, ठीक है। और इसकी सेटिंग ये है, स्टार्ट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है, और स्टॉप फ्रीक्वेंसी 50.2 हर्ट्ज है। इसके अलावा स्टार्ट डिले टाइम इसका देखें 0 है, इसका इसको भी आपने 0 ही रहने देना है। अंडर फ्रीक्वेंसी को देखें आप तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 49 वोल्ट, इसको भी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आपने स्टार्ट डिले टाइम भी जो है ना इसके वो 0.0 सेकंड्स हैं, इसको भी आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। स्टार्ट और स्टार्ट फ्रीक्वेंसी जो है ना, स्टार्ट और स्टॉप फ्रीक्वेंसी, इसके भी साथ आपको इतना काम नहीं है। लेकिन इसमें ये देखें आगे और भी कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं कि आप अपने सिस्टम के साथ यानी कि मज़ीद इसको यानी कि फ़ाइन ट्यून भी कर सकते हैं, इधर से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने वोल्टेज की रेंज को, उसके परसेंटेज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड, ये थी इसकी मेन सेटिंग जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।